तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये नजारा तिरगांव क्षेत्र में पढ़ने वाले फरीदपुर गांव का है, जहां पर आज विधायक राजेश नागर ने फरीदपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक ने बताया कि शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों का अपग्रेड व मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने की कवायद तेज हो रही है। तिरगांव से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। जब से हमारी सरकार 2014 से आई है तो शिक्षा की तरफ हमने और हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। पहले पूरे भारत में 4 या 5 एम्स थे, जब से हमारी सरकार आई है 24-25 एम्स पूरे भारत में बन चुके हैं। स्कूलों की बात करें तो हमारे तिरगांव में जो कॉलेज 50 साल पुराना कॉलेज था, उसमें 4 नए कोर्सेज एमकॉम, एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री और एमए फिजिक्स ऑनर्स, ये फिजिक्स ऑनर्स जो मास्टर की वो है, एक क्लास पहले नहीं लगा करती थी, अब फरीदाबाद में हमें जाना पड़ता था या बाहर जाना पड़ता था, तिरगांव में 2 क्लासेस लग रही हैं। उसके साथ साथ इग्नू की क्लासेस के लिए हमें दिल्ली या नेहरू कॉलेज में जाना पड़ता था, वो इग्नू की क्लासेस हमारे तिरगांव में ही अब लगनी चालू हो गई है। तिरगांव का प्राइवेट स्कूलों में जितना ज्यादा है वो 300 रुपये मात्र में अब हमारे तिरगांव में जो स्कूल खुल गया है सीबीएसई की पढ़ाई कर सकते हैं। इसी तरह से गरोड़ा का स्कूल अपग्रेड किया गया 12th तक। इसी तरह से हमारा जो बड़ौली गांव का स्कूल है, वो भी बहुत पुराना स्कूल था, उसको भी अपग्रेड कर दिया गया है और उस पुराना पड़ता था पर बिल्डिंग बन के तैयार हो रही है। इसके लिए हमारे कॉन्ट्रैक्टर, उनका भी बहुत बहुत हमारे आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने दिन रात लग कर ये बिल्डिंग तैयार की। इस तरह से बहुत सारे हमारे और स्कूल है, जैसे सराय का स्कूल है, उसमें 6-7 हज़ार के कई बच्चे पढ़ रहे हैं, उसकी बिल्डिंग के लिए भी नई हमारे को ग्रांट मिलने जा रही है और नई बिल्डिंग जलाएगी। ऐसे केवीसी बिल्डिंग के लिए भी पैसा आ चुका है। तिरगांव की जो हमारी बच्चियाँ जो लड़कियों का स्कूल था उसके लिए भी ग्रांट आ गई है, उसकी बिल्डिंग भी इसी तरह से। और हमारी बच्चियों को जो पहले दिक्कत आती थी क्लासरूम की कमी की वजह से वो दूर होगी। और बहुत सारे कार्य हमारी सरकार करने जा रही है, आगे भी बहुत सारे कई हमारे जो पाइप लाइन में है, कई प्रोजेक्ट स्कूलों के भी और कई स्कूल जो बनने हैं वो जल्दी पूरे होंगे। और आप सबका जो बच्चों ने यहाँ परफॉर्म किया उसके लिए उनके टीचर्स का भी मैं धन्यवाद करता हूँ।